1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल पे यहाँ पे जैसे कि जो भी इक्विपमेंट होगा, जो इक्विपमेंट का नाम यहाँ रहेगा, और यहाँ पे 1 किलोवाट 2, 3, 4 ऐसे इस तरह करके 10 किलोवाट तक का यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट अलग अलग कॉलम बना रखा है। 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट जो भी प्लांट होगा उसमें लगने वाला पैनल जो होगा वो कितने वाट का होगा। तो 1 किलोवाट के लिए हम जो है 250 वाट का पैनल यूज करेंगे, सिंगल पैनल, एक पैनल का बात हो रहा है यहाँ पे। तो 2 किलोवाट के में भी हम जो है 250 वाट का पैनल यूज करेंगे। उसके बाद जो है 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक जो सिंगल पैनल होगा वो 335 वाट का होगा। यहाँ पे 250 वाट इसलिए लिया क्योंकि छोटा किलोवाट है, इसमें जो बैटरी और इन्वर्टर होता है वो अक्सर कम वोल्ट वाला बैटरी, मतलब 12 वोल्ट वाला बैटरी ही सपोर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है वो भी 12 वोल्ट वाला ही जो इन्वर्टर होता है। इसलिए हमने यहाँ 250 वाट का पैनल लिया ताकि जो वोल्टेज इनपुट हो वो कम मिले हमें, जो कि अगर बड़ा पैनल होगा तो उसमें क्या है वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसलिए बड़े प्लांट के लिए हम बड़ा पैनल यूज करेंगे और छोटे प्लांट के लिए छोटा पैनल यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला जो पैनल है उसका क्वांटिटी क्या होगा, मतलब कितने कितने किलोवाट में कितना पैनल लगेगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे अगर 1 किलोवाट का पैनल प्लांट होगा तो उसमें 250 वाट का 4 पैनल लगेगा, 2 किलोवाट का होगा तो 8 पैनल लगेगा, और उसी तरह 3 किलोवाट का भी दे रखा है यहाँ पे 6, 8, 10। तो 10 किलोवाट का अगर प्लांट होगा तो वहाँ 30 पैनल लगेगा, और हर एक पैनल कितने वाट का होगा, 335 वाट का हम पैनल यूज करेंगे। यूज कर सकते हैं कितने वाट का भी, लेकिन हम बड़े पैनल ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें कॉस्ट कम पड़े। बहुत बड़ा पैनल अगर ले लेते हैं 400 वाट 500 वाट का तो उसमें क्या होगा कि अगर वो टूट गया, अगर एक पैनल किसी वजह से, देन क्या होगा, हमें बड़े वाट का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने बहुत बड़ा पैनल भी नहीं लिया और बहुत छोटा पैनल भी नहीं लिया, 335 वाट का हमने पैनल लिया है। अगर सोलर पैनल लगेगा तो उसको भी स्ट्रक्चर में लगाएंगे तो स्ट्रक्चर का साइज भी उस पैनल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो 1 किलोवाट के प्लांट में जो पैनल लगेंगे वो पैनल क्या लंबाई और क्या चौड़ाई होता है उसका, तो उस लंबाई चौड़ाई को देखने के बाद उसका जो होल होता है जहाँ पे नट बोल्ट हम लोग टाइट करते हैं, तो उसका होल जितने साइज में दिया हुआ है, जितने डिस्टेंस पे दिया हुआ, उतना ही डिस्टेंस में स्ट्रक्चर में भी होल होना चाहिए। तो आपको पहले पैनल देखना होगा, पैनल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना होगा, वो भी 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगेगा। उसी तरह 10 किलोवाट के लिए 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगेगा। और आगे देख लेते हैं कि इसमें लगने वाला हाइब्रिड इन्वर्टर जो होगा तो किस में कितने का लगेगा। तो यहाँ पे हम केवीए में लिए हैं, हम किलोवाट में भी ले सकते थे, इन्वर्टर किलोवाट में भी आता है और केवीए में भी आता है, हालांकि दोनों के बीच में डिफरेंस है, किलोवाट और केवीए दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 1 किलोवाट का अगर सिस्टम है तो उसमें 1.2 केवीए का इन्वर्टर सपोर्ट करेगा, मतलब हम इसमें लगाना चाहिए। हालांकि इसमें हम 1.5 केवीए का भी लगा सकते हैं लेकिन उतना बड़ा लगाने से फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम 1.2 केवीए का लगाते हैं 1200 वाट का, देन सफिशियंट रहेगा, इतना काफ़ी रहेगा, तो लगभग 1000 वाट उसे मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख पाओगे 10 किलोवाट के लिए 12 केवीए का, अगर आपको 11 केवीए का अगर इन्वर्टर मिल जाता है देन सही रहेगा, थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जा सकता है, अगर नहीं मिले देन 12 केवीए का आपको लगाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 किलोवाट के लिए 3.5 लिया हमने, तो 2 के लिए यहाँ पे 3 केवीए लिया, अगर आपके पास 2.5 केवीए का मिल जाएगा इन्वर्टर देन वो भी सही रहेगा। आगे चलते हैं, बैटरी लगने वाला है, जाहिर सी बात है हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो इसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर होता है, तो इसमें ऑफ ग्रिड की तरह बैटरी भी इसमें हम लगा सकते हैं। तो किस में कितना लगेगा, जैसे कि 1 किलोवाट का प्लांट है इसमें 2 बैटरी लगेगा, 2 बैटरी सपोर्ट करेगा, 2 किलोवाट में 4 बैटरी, 10 किलोवाट में 10 बैटरी। अब रही बात कनेक्शन की, बैटरी का कनेक्शन कैसा होगा, मतलब बैटरी को आपस में किस तरह जोड़ेंगे, पैरेलल या सीरीज, इतने सारे जो पैनल हैं पैनल को कनेक्शन कौन सा करेंगे, सीरीज या पैरेलल। तो ये दोनों चीज़ जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे, कि इन्वर्टर का इनपुट कितना वोल्टेज दिया गया है। अब इनपुट वोल्टेज दो चीज़ का होता है, एक तो पैनल का, दूसरा बैटरी का। अब दोनों का वोल्टेज देखने के अकॉर्डिंग ही हम उसका कनेक्शन करेंगे, बैटरी और पैनल का, क्योंकि अलग अलग कंपनी के इन्वर्टर में अलग अलग वोल्टेज दिया होता है। कि अगर मान लो कि कोई 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें 12 वोल्ट का भी इनपुट वाला होता है और 24 वोल्ट वाला भी होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। आजकल 24 वोल्ट वाला भी आने लगा, जिस तरह यहाँ पे अगर 2 बैटरी है ना तो इसको कुछ कंपनी का होगा कि दोनों बैटरी को सीरीज करके देन कनेक्शन करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर कुछ कंपनी का होगा 12 वोल्ट का ही सपोर्ट करेगा, तो आपको 2 बैटरी अगर लगा भी लियो
देन आपको पैरेलल कनेक्शन करके लगाना होगा। इन्वर्टर का इनपुट को देखने के बाद ही आपको कनेक्शन करना है इन दोनों का। आगे जो है हम देख पाएंगे कि MC4 कनेक्टर लगने वाला है। तो MC4 कनेक्टर जो है 1 किलोवाट में 2 पेयर, 2 किलोवाट में भी 2 पेयर लगेगा, उस तरह करके सबका सेपरेट सेपरेट हमने दे रखा है। 10 किलोवाट के लिए 6 पेयर लगेगा। पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर दोनों, तो दोनों कनेक्टर यहाँ पे हम लगाएंगे। अब देख लेते हैं DC-DV सब में एक लगेगा, DC जंक्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं। इसी जंक्शन बॉक्स में DC-MCV, DC-फ्यूज, DC-SPD वगैरह लगेगा। AC जंक्शन बॉक्स जिसे हम लोग AC-DV बोल सकते हैं, तो सब में एक एक है, तो इसमें AC-फ्यूज, AC-MCV, AC-SPD वगैरह लग सकता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि DC केबल। अब DC केबल जो है तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें सबका कनेक्शन करना होगा, पैनल का, फिर बैटरी तक पहुँचाना, फिर इन्वर्टर तक पहुंचाना, तो सारा वायर जो होता है डीसी वायर होता है, और जो सारे पैनल को कनेक्शन करने के बाद, जैसे कि मान लो यहाँ 30 पैनल है, सबको कनेक्शन करने के बाद जो इन्वर्टर तक पहुंचेगा, जिस वायर को हम लोग स्ट्रिंग वायर बोलते हैं, तो वो वायर भी चाहिए होगा, डीसी के वाला केबल चाहिए होगा। देन यहाँ पे हमने ज़्यादा वायर दिया है, सबका सेपरेट सेपरेट देख सकते हो आप किस में कितना वायर रिक्वायर होगा। AC में थोड़ा कम लगता है, तो हमने AC में कम दे रखा है, जैसे कि 1 किलोवाट के लिए 20 मीटर चाहिए होगा, 5 किलोवाट के लिए 30 मीटर चाहिए होगा, नब और 10 किलोवाट के लिए सिर्फ 40 मीटर ही चाहिए होगा। आगे चलते हैं कि कितना स्पेस किस में रिक्वायर होगा। अगर 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हो तो आपको 100 स्क्वायर फीट चाहिए, 2 किलोवाट के लिए 200 स्क्वायर फीट, फिर 3 किलोवाट के लिए 380 स्क्वायर फीट। मतलब अब जितना बड़ा प्लांट लगाओगे आपको स्पेस जो है उतना कम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट लगाया तो 10 किलोवाट के लिए 1000 स्क्वायर फीट लगाना होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें 850 स्क्वायर फीट ही लगाना पड़ेगा। तो आपको जितना बड़ा प्लांट लगाओगे स्पेस उतना कम आपको चाहिए होगा। अब हम ये देख लेते हैं, बहुत सारा आपको एसेसरीज मिलने वाला, जैसे कि अर्थिंग किट, LA, क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट वगैरह, ये सब कुछ आपको इसी सोलर सिस्टम में मिलेगा। अब ये बात कर लेते हैं कि इस सोलर सिस्टम का कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो सबका सेपरेट सेपरेट हम कॉस्ट देखेंगे। जैसे 1 किलोवाट के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम में 110,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा, 2 किलोवाट के लिए 2 लाख, और उसी तरह 10 किलोवाट के लिए 8 लाख। यहाँ पे आपको अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है कि 1 किलोवाट के लिए 1,10,000 है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ज़्यादा नहीं है, ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का मिक्सचर है, मतलब दोनों चीज़ें इसमें, इसमें ऑफ ग्रिड का ही मटेरियल होगा और ऑन ग्रिड का ही मटेरियल होगा, इसलिए हाइब्रिड जो है ज़्यादा कॉस्ट में आता है। ऑन ग्रिड लोगे तो इसका आधा के आसपास आपको कॉस्ट में मिल जाएगा, लेकिन हाइब्रिड में बैटरी भी होता है और ऑन ग्रिड का भी मटेरियल लगता है, इसका इन्वर्टर का कॉस्ट ही थोड़ा ज़्यादा होता है हाइब्रिड इन्वर्टर का, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। और वैसे भी अभी जो है कॉस्ट बढ़ चुका है सोलर सिस्टम में, इसके अकॉर्डिंग ही ये प्राइस दिया गया, ये बेंचमार्क का प्राइस है। आप अगर बेंचमार्क अभी लोगे लेटेस्ट वाला, तो लगभग वही प्राइस यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सबका सेपरेट सेपरेट, और मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। इसका मतलब ये कि रेट फ्लेक्सिबल है, हो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कुछ कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा तो प्राइस जो है थोड़ा आगे जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बैटरी ले रहे हो, कितने एम्पेयर का ले रहे हो, यहाँ पे मैंने एम्पेयर डिनोटेड नहीं किया, 150 एम्पेयर का बैटरी ही अनुमान मान के चला जाता है कि 150 एम्पेयर का बैटरी मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैंने प्राइस ये सेट करके रखा है। अब जितना बड़ा प्लांट लगाओगे कॉस्ट आपको उतना कम लगेगा, जैसे कि 1 किलोवाट के लिए देख रहे थे ना 1,10,000 पर रहा था, तो 10 किलोवाट के लिए इसका 10 गुना होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ 8 लाख में मिल जा रहा है। तो मतलब जितना बड़ा प्लांट लगाओगे आपको कॉस्ट उतना कम देना पड़ेगा, जिस तरह जितना बड़ा प्लांट था स्पेस भी कम चाहिए था, कम रिक्वायर होता है, उसी तरह जितना बड़ा प्लांट लोगे आपको प्राइस भी कम लगता है। आगे देख लेते हैं इसमें लगने वाला जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो भी होगा, तो उसमें एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा, तो एक दिन में 4 से 5 यूनिट आपको 1 किलोवाट में मिल जाएगा, उसी तरह 10 किलोवाट में 45 से 50 यूनिट मिल सकता है। सोलर सिस्टम या कुछ पैनल जो होते हैं अगर सही से नहीं लगे होते हैं, मतलब सही डायरेक्शन और सही एंगल पे, उस केस में क्या है कि जनरेशन थोड़ा कम देगा, लेकिन अगर हम सही से सही डायरेक्शन में या सही एंगल पे अगर लगाते हैं तो जनरेशन भी हमें अच्छा मिलता है। इसलिए हमें सोलर पैनल लगाने से पहले साइड सर्वे करना होता है, और उस साइड सर्वे में हमें ये एंगल और डायरेक्शन भी देखना होता है। तो अगर आप सही एंगल और सही डायरेक्शन में लगाओगे देन जनरेशन भी आपको अच्छा मिलेगा। आगे चलते हैं, इसमें वारंटी कितना मिलने वाला किस चीज़ों पे? तो होल सोलर सिस्टम में आपको 5 साल का वारंटी मिलेगा, और स्पेशली सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी मिल जाता है।
अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या नेट मीटर लगाना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल इसमें नेट मीटर लगेगा क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है और सब में लगेगा। और जाहिर सी बात है नेट मीटर लगेगा तो आपको सब्सिडी भी मिलेगा। कितना कितना मिलेगा तो यहाँ देख लेते हैं। 1 किलोवाट में 30% है सब्सिडी मिलेगा ऑन बेंच मार्क पे। मैंने बोला ना बेंच मार्क पे सब्सिडी है। तो उसी तरह 2 किलोवाट में 30%, 3 में भी 30% है। बाकी जो 4 से लेकर 10 किलोवाट तक लगाते हो अगर आप, तो आपको 20% का सब्सिडी मिलता है, वो भी बेंच मार्क पे। तो आई थिंक आपने सारा डाउट क्लियर कर लिया होगा जो भी 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में होगा। आपको अब भी कुछ डाउट रह गया है ये वीडियो देखने के बाद भी, देन आप उस टॉपिक पे कमेंट कर सकते हो, मैं वो देखूंगा, उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और अगर आप चाहते हो कोई अलग से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बना के जल्द ही अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।